नमस्कार, युवा माई लाइफ पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो है जिसका शीर्षक है वाक शुद्धि और वाक सिद्धि। पहले वाक की शुद्धि होती है और फिर वाक की सिद्धियाँ होती हैं। वाक सिद्धि में क्या होता है कि जो कुछ बोला जाता है वो सत्य हो जाता है। एक प्रोसेस में बता रहा हूँ, हालांकि चक्र से संबंधित है ये। सात चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। विशुद्धि से कहानी शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है। प्राण को समझना होता है, पांच प्राणों को भी समझना होता है इसके साथ साथ, तब वाक शुद्धि तक पहुँच पाते हैं। कई तरह की साधनाएं मिक्स चलती हैं। यहाँ जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पे महसूस करना होता है सुषुम्ना को, बिल्कुल गले के बीचों बीच सफ़ेद रंग के प्रकाश को, जब ये साधना कर रहे हैं। और ये इंटेंसिव साधना के बाद ये साधना शुरू होती है। यहाँ बीच में सफ़ेद रंग के प्रकाश को, और फिर ये सफ़ेद रंग का प्रकाश यहाँ तालु चक्र से होता हुआ जब यहाँ पहुँचता है तो निवात दीप शिखा, ये दोनों जो आगे चक्र का जो एक सिंबल है दो फ्लावर वाला, उसके बीच में निवात दीप शिखा नाम की एक तीसरी आँख होती है। वो जब आँख बंद करते हैं तब, जब गहन ध्यान में जाएंगे तब दिखाई देगी। निवात दीप शिखा नाम की जो तीसरी आँख है उस पर ध्यान करने से वाक सिद्धि जो है प्राप्त होने लगती है। जितनी आसानी से मैंने कह दिया, इतनी आसान ये बात नहीं है। पहले सभी चक्रों को क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। फिर सभी चक्रों के जो हॉरिजॉन्टल एनर्जी है उसको ठीक करना पड़ता है। फिर सुषुम्ना का भाव बिल्कुल ठीक हो रहा हो, जैसे मैंने बताया कि बीच में सफ़ेद रंग की सुषुम्ना ट्रैवल कर रही है गले के बीच में, जब यहाँ तक सुषुम्ना पहुँच जाए, नीचे से यहाँ तक तो आपको चल के आना ही है, तब जो मैंने बताया तीसरी आँख, थर्ड आई जो यहाँ पे होती है दोनों पेटल्स के बीच में, तब वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर उसका गहन ध्यान करना होता है, जो कि बिना एकाग्रता के पॉसिबल ही नहीं होता। जब वो जो निवात दीप शिखा का ध्यान कर रहे हों तीसरी आँख का, तो केवल और केवल उसी का ध्यान हो, और कोई बात दिमाग में हो ही नहीं, एकाग्रता के अलावा और कोई चीज़ हो ही नहीं, तब जो है वाक सिद्धि अपने आप आने लगती है और व्यक्ति जो है सिद्ध पुरुषों के जमाने में विचरण करने लगता है।